नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पंचायत चुनाव से संबंधित मैं बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर है दोस्तों? बहुत दिनों से आपको इंतजार था कि हमारे चुनाव कब होंगे। जिनकी शेष बची हुई जो ग्राम पंचायतें हैं, चाहे वो नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ या हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके जो चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, उसके बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उसके बाद में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कल परसों की जो 24 जनवरी है उसको आपके जो उसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, कब 24 जनवरी आज हो गई है। तो दोस्तों, आज क्या आदेश रहे सुप्रीम कोर्ट के, वो आदेश मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सरकार को भी फटकार लगाइए साथ में सरपंचों के चुनाव से संबंधित। और दोस्तों, इसके बाद में मैं जिला परिषद और जिला पंचायत समिति सदस्य जो जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य उनकी जो न्यूज़ भी मैं लेकर आया हूँ, तो इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको विस्तार से बताऊंगा उनके चुनाव कब होंगे। और दोस्तों, जो 4,250 ग्राम पंचायत है कितनी राजस्थान में अभी शेष रही, 4,250 यानी कि 4,250 लगभग इसमें ग्राम पंचायतों के चुनाव है वो कब होंगे, ये साफ स्पष्ट कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या चुनाव कब होंगे। और दोस्तों, थोड़ा सा साथ हमारा भी दिया करें, और अभी तक आप ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जो लाल बटन है उसको प्रेस कर ले और पास में उसके जो बेल आइकन यानी घंटी का बटन उसको भी दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्या लेटेस्ट न्यूज़ रही है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने जो अभी ट्वीट करके क्या कहा, अभी चुनाव से संबंधित है वीडियो भी है एक इस न्यूज़ से संबंधित, लेकिन मैं आपके लिए ये प्रूफ लेकर आया हूँ। जो पंचायती राज इलेक्शन है 2020, सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी ही राहत मिली है, यानी कि राहत मिल चुकी है। राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि 7 फरवरी से के बाद में बहुत सारी पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, तो उसी से संबंधित में खबर है। तो राज्य में शेष पंचायतों पर जो होंगे वो चुनाव है, राज्य में शेष सभी पंचायतों पर 15 अप्रैल से चुनाव होंगे। कब होंगे? 15 अप्रैल से सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े हैं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो बेंच ने जो फैसला सुनाया है, राज्य सरकार के सभी नोटिफिकेशन के अनुसार पंचायतों के पुनर्गठन के अनुसार चुनाव होंगे, यानी जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है उन्हीं के अनुसार जो चुनाव हो गए। और पंचायती राज इलेक्शन से संबंधित ये है बड़ी खबर। और साथ में एक ट्वीट और किया है, ये देख सकते हो आप क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, जो पंचायती राज इलेक्शन 2020 से पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर रही है। प्रदेश के सभी पंचायतों में होंगे चुनाव, जो शेष रही 4,250, चाहे वो किसी भी जिले से संबंधित हो, चाहे नागौर जिले की ग्राम पंचायतें बची हुई उनके चुनाव हो, चाहे जोधपुर जिले की सबसे ज़्यादा अभी तक बची हुई ग्राम पंचायतें, चाहे भीलवाड़ा जिले अजमेर जिले की चुनाव, जो जितने भी पूरे राजस्थान के जो चुनाव है उससे संबंधित जो फैसला है वो आज आ चुका है। तो दोस्तों, ये कब होने वाला है जो चुनाव में आपको बता दिया है दोस्तों, 15 अप्रैल से इनके चुनाव कराए जाएंगे। और साथ ही जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति यानी कि सीआर और डीआर के चुनाव भी इन्हीं के साथ करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की बिग न्यूज़। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में बेल आइकन जरूर दबा ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बिग न्यूज़ अपडेट लेकर आता हूँ लेटेस्ट, यानी अभी जो हाल ही में ये 15 मिनट पहले की खबर है दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्विटर से डाउनलोड करके। तो दोस्तों, और ये खबर है सभी को फैला दो, ताकि उनके जो चुनाव बचे हैं उनको भी थोड़ी राहत मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, और एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों, हमेशा आप लाइक करते नहीं हो, मैं आपके लाइक के इंतजार में रहता हूँ, तो एक लाइक जरूर कर दे, धन्यवाद।